अभी अपना भाई यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो उस साइड मेरे को मिला है, मैं उस साइड से मिलूंगा। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि नेक्स्ट वीडियो में इसकी टॉप स्पीड पे निकालूंगा, जिस हिसाब से इसका मॉडल है, ठीक है, उस हिसाब से ये कितनी इस टाइम अभी भाग रही है। इस हाईवे रोड पे आया हूँ, लेकिन यहाँ पर यार ट्रैफिक इतना है, देखते हैं अभी ट्रैफिक थोड़ा कम होता है फिर इसे भगाते हैं। इसकी टॉप स्पीड का आपको पता चल जाएगा कितनी आती है, ठीक है। अभी थोड़ा मैं खींचता हूँ, लेकिन नॉइज़ आएगी उसके लिए दिल से सॉरी। तो अभी देखो, तो गाइस अभी मेरी भाग चुकी है 70, ठीक है, 70, 80, 90। लेकिन आज बाहर आने की वजह से 105, 110। गाइस 122 अभी आपने देखा, 120-122 के आसपास टच हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक आ गया, इसकी वजह से टच नहीं कर पाई। गाइस देख रहे हो, 120-122 तो आराम से टच कर गई थी, लेकिन आगे ट्रैफिक आने की वजह से फिर मैंने भगा नहीं पाई। चलो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं और देखते हैं, आगे ट्रैफिक नहीं है तो एक बार देखते हैं। 70, 75, 80, 90, काफ़ी भाग रही है, लेकिन मैं भगा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रोड आपको मालूम है, एक एक सेकंड में ट्रैफिक आ जा रहा है। रोड थोड़ा इसके लिए लॉन्ग चाहिए, लॉन्ग होता तो आराम से हम भगा लेते, लेकिन भगा नहीं सकते इतने, मतलब एक एक मिनट पे ट्रैफिक आने की वजह से जो है ना दिक्कत आ जाती है, आपको पता ही है। और अभी मैंने यू टर्न ले लिया अपने भाई की तरफ के लिए, फिर से एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं अब कितनी भागती है। शिट, ये वाला रोड तो उससे भी ज़्यादा गंदा लग रहा है, यहाँ तो और कम लग रही है भागेगी। गाइस इसके लिए ना हम अपने को एकदम लॉन्ग वाला रोड चाहिए, तब हम जाके भगा सकते हैं इसे फुल स्पीड में। और ऐसे इसकी मतलब मैक्सिमम स्पीड आ रही है, ये समझ लो मैं 25 तक टच हो जा रही थी अभी, और एकदम अचानक कोई ना कोई आ जा रहा है। रोड ये ऐसे ही है गंदे से, इतने अच्छे दौर है, इसका जो चैन सेट होता है पूरा, स्पार्किट जिसे बोलते हैं, वो सारा पूरा ख़राब है, तब भी ये अच्छी खासी स्पीड में जा रही है, 125 बहुत होती है भाई। तो इसकी वीडियो और किसी दिन भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से चलते हैं घर पर, फिर आपसे बातचीत करते हैं। गाइस आपने देखा इसकी टॉप स्पीड 1 नंबर की आ रही है, जितना मैंने सोचा था उससे बढ़ के मिल रही है, ठीक है। मतलब मैंने अभी टच करी थी 120-122 के आसपास और सिंगल राइड करी थी, और वहाँ पर रोड जो था बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसकी वजह से राइड सही से प्रॉपर हो नहीं पा रही थी। इसके लिए एकदम लॉन्ग रूट चाहिए, और जो लंबा रोड हो वहाँ पर आराम से इसकी टॉप स्पीड हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिलहाल इस वीडियो में आपने देखा होगा कि 22 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 30 तो आराम से टच करेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और आप बताना अगर आपके पास CVR है, आपकी CVR कितनी टच करती है, कमेंट करते हो आप लोग, काफ़ी अच्छा लगता है दिल के, मतलब एकदम खुशी हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते किसी नए वीडियो में, जब तक बाय बाय।